नमस्कार दोस्तों, गैजेट न्यूज के इस कमाल के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बेहद शानदार खबरें, तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए। तो नजर डालते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। नंबर 5, एप्पल न्यू ओएस अपडेट। दोस्तों, एप्पल हमेशा से ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में कुछ न कुछ नया करता आया है, और बात हो रही हो अगर उसके आईफोन की तो खैर वहां तो कोई जवाब ही नहीं होता उसका। तो दोस्तों, अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है उन्होंने अपने मोबाइल फोन यानी कि उनके आईफोन के लिए एक नया ओएस जो कि iOS 14 के नाम से जाना जाएगा। इसमें आपको कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि हो सकता है आपने इससे पहले किसी मोबाइल फोन में फील ना किए हों। जैसे कि यहां पर आपको काफी ज्यादा पर्सनलाइज UI देखने को मिलता है जिससे कि इसे चलाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही एप्स को पूरी तरीके से मैनेज करने के यहाँ पर एप्स लाइब्रेरी के ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि एप्स खुद ब खुद कैटेगरी वाइज आपकी लाइब्रेरी में पहुंच जाया करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं होम स्क्रीन पर काफी सारे एप्स का जमावड़ा नहीं लगा रहेगा। और वहीं दोस्तों, इसमें आपको मैसेजिंग को भी लेकर काफी सारे अपडेट दिए हैं। अगर आप आई मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ग्रुप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको एक बेहतरीन फीलिंग आने वाली है क्योंकि मैसेजिंग को खास बनाने के लिए इसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी दे रखे गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेंगे। जैसे कि अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ऐसा फीचर है कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से उसे अनलॉक कर पाएं, तो ये काम भी आप इस आईफोन की मदद से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये आईफोन आपके लिए एक की तरह काम करेगा जिसे बस आप अपनी कार में टच कराइए और आपको अपनी गाड़ी का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही आप किसी अदर एप्पल डिवाइस को भी इस चीज का एक्सेस दे सकते हैं जिससे कि वो रिमोटली कार को ही अनलॉक कर पाएगा। तो इस तरीके के मजेदार फीचर्स के साथ आ जाता है ये फोन जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, एप्पल की सीरी में भी बहुत हद तक बदलाव किए गए हैं जो कि आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है इस तरीके का ओएस स्मार्टफोन की दुनिया में काफी ज्यादा चेंजेस लाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब iOS 13 लॉन्च हुआ था तो बहुत सारी पुरानी डिवाइसेस को एप्पल ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था, यानी उनमें आपको iOS 13 का अपडेट देखने को नहीं मिला। लेकिन अब देखना ये होगा कि iOS 14 के अपडेट में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल करी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपका आईफोन भी iOS 14 को सपोर्ट करे और आप भी इस बेहतरीन ओएस का मजा ले पाएं। ठीक iOS की तरह आपको आपके मैक में भी कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे आगे आने वाले समय में, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को भी एकदम नए तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं आईपैड या फिर एप्पल वॉच, तो वहां पर भी आपको नए ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के नए बदलाव देखने को मिलते हैं आपको एप्पल डिवाइसेस में जो कि काफी ज्यादा मजेदार रहेंगे। नंबर 4, नोकिया 5310। दोस्तों, दुनिया कितना भी ज्यादा अपग्रेड हो जाए, कितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन नोकिया के बटन वाले फोन की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहेगी। नोकिया भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे बजट फोन मार्केट में अक्सर लॉन्च करता रहता है जिसे की पब्लिक खरीद सके। साथ ही दोस्तों, जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी की कमी होती है, यानी कि अगर आपने उसमें बैटरी वगैरह सही से चार्ज नहीं करी है और आप कहीं ट्रैवल पर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी डेड होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप नोकिया के इस तरीके के फोन की बात करेंगे तो इनकी बैटरी बैकअप बड़ा ही कमाल का रहता है, क्योंकि साइज में छोटा और स्क्रीन छोटी होने की वजह से यहाँ पर बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होता है, जिससे कि आपको लंबी बैटरी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर नोकिया 5310 की, तो दोस्तों ये मॉडल भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ कुछ ऐसा ही होता है जो कि नोकिया के ट्रेडिशनल लुक से थोड़ा सा अलग रहता है, जिससे कि इसकी डिजाइन काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कर्व में होते हैं, जिससे कि इसे पकड़ने में बहुत ही अच्छा फील आने वाला है। और इसे खास तौर पर म्यूजिक ओरिएंटेड रखा गया है, यानी कि इसमें आपको वायरलेस FM दिया है और साथ ही साथ आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाकर म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। तो ये चीज खास बनाती है इस फोन को। तो अगर आप भी एक बटन वाला फोन चाहते हैं, वो भी नोकिया ब्रांड में ही, तो मेरे हिसाब से ये एकदम अपडेटेड मॉडल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो उम्मीद है फटाफट आप इसे जरूर से लाइक करेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ये बता सकते हैं कि आपने पहले जो नोकिया का फोन खरीदा था उसका क्या नाम था। नंबर 3, ViewSonic ViewBoard 98-inch टैबलेट। दोस्तों, आपने बहुत साइजेस की टैबलेट मार्केट में देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें 98-inch टैबलेट की, तो ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे। लेकिन ये गैजेट कुछ ऐसा ही अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है जो कि 98 इंचेस का होता है। तो एक तरीके से आप इसे मिनी टीवी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके जो फीचर्स होते हैं वो टीवी से कहीं ज्यादा अलग होते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और बेसिकली इसे बिल्कुल प्रोफेशनल यूज के लिए ही बनाया गया है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसमें स्क्रीन मिरर वगैरह करा के मूवीज वगैरह भी पाएंगे, लेकिन बेसिकली इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल पर्पस ही किया जा सकता है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, साथ ही उसे एडिट कर सकते हैं। वहीं इसकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर आप किसी को कुछ भी समझा सकते हैं। तो इस तरीके के मजेदार फीचर्स के साथ ये बन जाता है 98 इंचेस का मजेदार टैबलेट, जहां पर आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक छोटा सा स्टाइलस पेन भी देखने को मिलता है जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ USB से भी कनेक्ट कराने के ऑप्शन होते हैं। ये विंडोज, मैक, iOS और साथ ही क्रोम OS जैसे काफी सारे
ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे कि आसानी से इसे मिरर कराया जा सके। तो इस तरीके का टैबलेट बड़ा ही मजेदार रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक टीवी के साइज के टैबलेट का इस्तेमाल करना, तो आपको एक बार इसे ट्राई करके देखना चाहिए। नंबर सेकेंड, सोनी ब्राविया X70G 4K HDR टीवी। दोस्तों, सोनी ने हाल में लॉन्च करी है अपनी 4K HDR रेजोल्यूशन वाली ये टीवी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है लोगों द्वारा। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो टीवी मार्केट में आती थी उसमें कुछ अलग से फंक्शंस आपको नहीं दे रखे थे। वो आपके एंड्रॉइड को तो सपोर्ट करती थी, जिनका इस्तेमाल आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी की तरह कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सोनी ने दिए हैं अब की बार कुछ नए फीचर्स, जो कि आपको नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने रिमोट की मदद से। साथ ही वॉइस सर्च के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप इसमें गूगल असिस्टेंट की मदद से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के मजेदार फीचर्स के साथ ये बन जाती है एकदम यूनिक टीवी। लेकिन दोस्तों, इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है उसका कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर आपको HDR 4K क्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि इसे खास बनाती है। कलर्स की डायनेमिक रेंज इसे बहुत ही ज्यादा खास बनाती है किसी भी अदर टीवी से। अगर आप इसे अदर किसी ब्रांड से कंपेयर कराते हैं, तो वहाँ पर इसके कलर्स कहीं गुना ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस तरीके की टीवी काफी ज्यादा मजेदार रहती है। लेकिन दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम यही है कि थोड़ी महंगी होती है। तो अगर आप भी इसकी कीमत जानना चाहते हैं, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर वन, रियलमी X3 सुपर जूम। दोस्तों, इस हफ्ते लॉन्च कर दिया है रियलमी ने अपना ब्रांड न्यू मॉडल रियलमी X3 सुपर जूम, जो कि खास तौर पर जाना जाता है अपनी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपको कैमरास देखने को मिलने वाले हैं, वो एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी के ही रहेंगे। यहाँ पर आपको 64+8+8+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का रहेगा। साथ ही दोस्तों, 32+8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास देखने को मिलते हैं, जो कि इन डिस्प्ले रहते हैं, जिससे कि देखने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। तो इस तरीके की कैमरा के लिए ये जाना जाता है Realme X3 Super Zoom, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है। साथ ही यहाँ पर 4200mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और 12GB RAM के साथ ये बड़ा ही पावरफुल हो जाता है। इसमें 30W की चार्जिंग देखने को मिलती है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से चार्ज होगा। आप इसे 55 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसकी खास बात रहती है। साथ ही Snapdragon 855 Plus प्रोसेसर की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो गेमिंग वगैरह में बहुत ही ज्यादा उम्दा रहती है। तो अगर आप चाहते हैं एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का कैमरा, वो भी बजट में रहकर, तो Realme X3 सुपर जूम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन खबरों के साथ। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।